दिवाली नजदीक है, जिसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। त्योहार के मौके पर मिठाइयों में किसी तरह की मिलावट ना हो, इसके लिए डोईवाला क्षेत्र की मिठाई की दुकानों पर मिठाइयों की सैंपलिंग की गई। आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, वहीं कुछ अराजक तत्व मिठाइयों में मिलावट करके मोटा मुनाफा कमाते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। डोईवाला से जावेद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। महोदय देहरादून के निर्देशों के क्रम में और जिला अधिकारी महोदय आदेशों के क्रम में पूरे जनपद में हमारा अभियान चल रहा है, जिसमें कल हल्द्वानी भी, रामनगर इत्यादि सभी जगह चल रहा है। जगह जगह पे खाद्य पदार्थ, विशेषकर मिठाइयाँ वगैरह जो है चेक की जा रही हैं। इसी क्रम में आज जो है हमने भीमताल, भवाली और मल्लीताल में हमने कुछ मिठाइयों के नमूने लिए, जिसमें एक पेठा का है, एक बतीसा है, एक बेसन लड्डू है और एक बर्फी है। तो कई जगह जो फिलहाल जो जो पेठा जो हमने लिया है, पेठे पर अगर रगड़ नहीं पड़ी है तो ये तो मेजबान में आएगा, लेकिन जो पहले एफएससीआई ने दिशा निर्देश दिया था कि मिठाई के दूध मिठाई की दुकानों में डेट मेंशन करना जरूरी है, वो एफएससीआई ने विड्रॉ कर लिया है। वो जो आदेश था अपना विड्रॉ कर लिया है, अब मैंडेटरी नहीं है। अगर जो चाहे वो डाल सकता है, जो ना चाहे ना डाल सकता है। धाराएँ हैं सभी चंडर आता 51 में, उसमें 5 लाख की तो पेनल्टी है, 52 में 3 लाख की पेनल्टी है मिसलॉन में। तो जैसे हम सैंपल भेजेंगे रुद्रपुर लैब जाती है और जांच रिपोर्ट के आधार पे ही हमारा चलानी रिपोर्ट बनता है।